शेडो पैलेट से हम पूरा फेस का मेकअप करेंगे। एंड ये आई शेडो पैलेट बहुत अच्छा है सेफोरा का, एंड बहुत सारा आपको माई चैनल रिया पातो। तो गाइज आज मैं वीडियो करने वाली हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो करने वाली हूँ जिसके साथ मैं वीडियो बना रही हूँ। उसमें कोई मैं फाउंडेशन कंसीलर कुछ नहीं यूज़ करूँगी, सिर्फ मैं आई शेडो पैलेट से पूरा फेस का मेकअप करूँगी। तो चलो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड कैसा होने वाला है मुझे भी पता नहीं। बस मैं सोचा फुल फेस का मेकअप मैं सिर्फ आई शेडो पैलेट से करूँ, तो सबसे पहले मैं फेस का CTM कर लूँगी, वो भी दिखाऊँगी। एंड वो तो करना पड़ेगा, नहीं तो फेस का हालत खराब हो जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहो। चलो तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे फेस को फेस वॉश करके आ गया, एंड उसके बाद मैं रोज़ वाटर लिया एंड इसे पूरा फेस पे टैपिंग टैप टैप करके अप्लाई कर दिया। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जॉय का एक आमंड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। फुल फेस में अच्छे से मॉइस्चराइज़र करूँगी क्योंकि मेरा फेस पे पूरा मेकअप की जगह आई शैडो लगेगा इसलिए। उसके बाद मैं ब्लू हेवन की प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, एंड जैसे मेरा ओपन पोर्स थोड़ी बहुत है तो क्लोज़ हो जाए। ठीक है तो गाइस हम पूरा फेस का CTM कर लिया, आप लोग देख सकते हो। क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग हम कर लिया एंड प्राइमर भी अप्लाई कर लिया। तो गाइस अब ये आई शेडो पैलेट से हम पूरा फेस का मेकअप करेंगे। एंड ये आई शेडो पैलेट बहुत अच्छा है सेफोरा का, एंड बहुत सारा आपको इस आई शेडो सेट मिल जाएगा इस पैलेट पे। तो चलो मैं फिर स्टार्ट करती हूँ वीडियो। गाइज मैं सबसे पहले ये कॉर्नर का व्हाइट सा सेट लूँगी एंड फुल फेस पे फाउंडेशन की तरह काम करवाऊँगी। तो चलो तो गाइज सबसे पहले मैं यहाँ से व्हाइट वाला सेट लिया एंड पाउडर की तरह फुल फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, जैसे मेरा बेस यही आज होगा। एंड वही व्हाइट सा आई शेडो को फुल फेस पे अप्लाई किया, एंड उसके बाद मेरे स्किन टोन की जो आई शेडो मैच कर रहे थे उसे भी फुल फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, जैसे मेरा एक बेस बन जाए अच्छा सा। एंड उसके बाद ये नियोनिशा ग्रीन कलर सेट लेके आइस के ऊपर मैं आई मेकअप कर रही हूँ एंड आइस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कोई कंसीलर वगैरह नहीं यूज़ किया हूँ इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो रहा है, तो जैसे तैसे मैं कर लिया। उसके बाद ब्लैक सा सेट लिया एंड आईज के आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया, एंड ऑफ कैमरा मैं दोनों आई मेकअप कर लिया। एंड उसके बाद ये येलो सर जो सेट है मैं इसे बनाना सेट की पाउडर की तरह काम करवाई हूँ एंड ब्रेकिंग करवाई हूँ, एंड इसे भी एक्स्ट्रा पाउडर को ड्रास्ट आउट कर दिया। एंड उसके बाद ये ब्लैक सा आई शेडो लेके मैं मस्कारा की तरह यूज़ की हूँ एक ब्रश से। एंड उसके बाद मैं वही ब्लैक सा सेट लेके काजल अप्लाई किया वाटरलाइन पे, एंड वही ब्लैक सा सेट लेके आईब्रो ड्रॉ किया। एंड उसके बाद ये कंटूर कर लिया ब्राउन सा सेट लेके, तो गाइस देख सकते हो। एंड उसके बाद ये पीछे पिंक सा पिंक कलर लेके मैं हंस हंस के मेरे गालों को ब्लश कर रही हूँ, एंड इसमें ही थोड़ी सी सीमरी टाइप की वाइट सी हाईलाइटर टाइप की कुछ आई शेडो थी इसे ही मैं हाईलाइट कर ले रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करने की ज़रूरत है। एंड आईज की इनर कॉर्नर को भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ गाइस। एंड उसके बाद ये रेड सा कलर लेके मैं पहले लिप्स को ड्रॉ कर रही हूँ, एंड अच्छे से लिप्स को एक तूली के हिसाब से ड्रॉ कर ले रही हूँ। एंड उसके बाद मैं थोड़ी सी मतलब रेडिश थी थोड़ी सी ब्राउन टाइप की सेट लिया एंड उसी को लिपस्टिक की तरह अप्लाई की हूँ आई शेडो को। तो आई होप आपको ये बड़ा मेरा मेकअप लुक पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो देखो तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, एंड आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड गाइस ये वाला मेकअप लुक आपने देखा मैं कैसे क्रिएट की हूँ, सिर्फ आई शेडो पैलेट से मैं ये वाला मेकअप लुक क्रिएट की हूँ, तो बहुत ही सुंदर मेकअप लग रहा है ना। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो बनती है ना। तो लव यू ऑल, टाटा।